नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर और ड्रग पिक्चर के वीडियो के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और माफ कीजिएगा, इस वक्त सवेरे के 5:30 बजे हैं तो मेरी अगर आवाज आप लोगों को थोड़ी सी मोटी लग रही होगी तो माफी चाहता हूँ। जैसा की आपने थंबनेल में देखा और टाइटल में देखा, ये जो वीडियो है दिस इज अबाउट द बर्बेरिस वुल्गारिस। जी हाँ दोस्तों, बर्बेरिस वुल्गारिस के ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है कि इतना फ्रिक्वेंटली इसका यूज होता है, कई केसेस के अंदर बहुत फ्रिक्वेंटली हमको इसको गाउट पे यूज करना पड़ता है। ठीक है, जो गठिया होता है, गठिया की बीमारी, यूरिक एसिड के जो लोग होते हैं, यूरिक एसिड बढ़े हुए उसके ऊपर यूज करना पड़ता है। बहुत फ्रिक्वेंटली इसको हम जो है किडनी स्टोन पे यूज करते हैं, आप सब लोग इस बात से भली भांति परिचित है। बहुत फ्रिक्वेंटली इसका यूज हमको जो है गॉल ब्लैडर के स्टोन पे, गॉल स्टोन पे करना पड़ता है। बहुत महत्वपूर्ण मेडिसिन बन जाती है क्योंकि ये तीनों चीजें बहुत फ्रिक्वेंटली हम समाज में देख रहे हैं। अब हर बार के ड्रग पिकर की तरह हम दूसरी स्क्रीन पर जाएंगे और जो बची हुई जो शूटिंग है वो हम दूसरी स्क्रीन के ऊपर चालू करेंगे। ठीक है, तो चलिए 2 मिनट के लिए जस्ट दूसरी स्क्रीन पर चलते हैं। 2 मिनट नहीं, इनफेक्ट पूरा वीडियो आगे का हम दूसरी स्क्रीन पर रिकॉर्ड करेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप मुझे भी देख पा रहे हैं और मेरे पीछे इस स्क्रीन को भी देख पा रहे हैं। जब भी मैं निचले पार्ट में आऊंगा वीडियो के 4th पॉइंट के आसपास, तो मैं कैमरे को बंद कर दूंगा जिससे आपको मेरा चेहरा ना दिखे पर आप ये वीडियो को अच्छे से देख पाए। अब देखिए, इससे पहले जो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करा था वो बेंजोइक एसिड के ऊपर था, वो शायद ऑन एयर आ चुका होगा। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा और ये जो बात है, ये जो फंडा है, ये हर गाउट की मेडिसिन के ऊपर अप्लाइड होता है और इसलिए ये कहानी अगर आप समझ लेंगे तो वो सब मेडिसिन को समझना आपको थोड़ा सा आसान रहेगा। यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है एक शरीर के अंदर, ये वो कहानी के बारे में बात कर रहा हूँ। यूरिक एसिड तब बढ़ता है जब हमारी किडनी के अंदर यूरिक एसिड को छान के बाहर निकालने की, यूरिन से निकालने की कैपेसिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है तो बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। कहने का मतलब कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो नॉर्मल है, जिसको यूरिक एसिड का बीमारी नहीं है, जिसको गाउट नहीं है, तो उसकी किडनी में और गाउट के पेशेंट की किडनी में फर्क ये होगा कि जो नॉर्मल पर्सन है उसकी किडनी जो होती है वो यूरिक एसिड को छान के वाकायदा यूरिन के थ्रू निकाल देती, बट गाउट का जो पेशेंट होता है इसकी किडनी के अंदर एक प्रकार की इनसफिशियंसी होती है और उस इनसफिशियंसी के कारण क्या होता है, वो इनसफिशियंसी करती क्या है कि यूरिक एसिड को वापस से किडनी से एब्जॉर्ब कर लेती, वापस उसको अपटेक कर लेती है। मतलब छान के यूरिक एसिड बाहर निकलने की बजाय लूप ऑफ हेनली जो किडनी के नेफ्रॉन का पार्ट होता है उस पार्ट से उसको वापस अपटेक कर लेती है और इसी के कारण होता क्या है कि वो शरीर के अंदर ही रहता है यूरिक एसिड और वो यूरिक एसिड अल्टीमेटली एक सॉल्ट में बदलता है जिसको बोलते हैं यूरेट। यूरिक एसिड कभी ज्वाइंट में डायरेक्टली जमा नहीं होता, वो यूरेट के रूप में, यूरेट एक सॉल्ट बनता है उसका और वो यूरेट के फॉर्म में ज्वाइंट पे डिपॉजिट होता है। तो ये पूरी कहानी है यूरिक एसिड की, यूरिक एसिड के पेशेंट की और इसी बीमारी को हम गाउट बोलते हैं। और ज्यादा टेक्निकली और स्पेसिफिकली बात करें तो इसी बीमारी को या इसी टेंडेंसी को हम यूरिक एसिड डायथिसिस भी बोलते हैं और इसको लिथेमिक टेंडेंसी भी बोलते हैं। लिथेमिक क्यों बोलते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब आप वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट, मेनली अ गाउटी एंड रूमेटिक मेडिसिन। इसको समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसा कि इंट्रोडक्शन में ही बताया कि गाउट पे यूज होती है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती है, वन ऑफ द फ्रिक्वेंटली इंडिकेटेड मेडिसिन है, दैट इज वाई मेनली अ गाउटी और रूमेटिक मेडिसिन। आगे का पॉइंट जो है कि लिथेमिक एंड गाउटी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। लिथेमिक एंड गाउटी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब गाउटी तो आप समझ गए कि यूरिक एसिड रिटेन करती है बॉडी। ठीक है, उसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन बर्बेरिस वुल्गारिस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिथेमिक कॉन्स्टिट्यूशन है। व्हाट इज लिथेमिक कॉन्स्टिट्यूशन? लिथेमिक शब्द आया है लिथेमिया से, लिथेमिया मतलब पथरी बनाने की टेंडेंसी। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, आप समझ लीजिए कि जरूरी नहीं है कि हर गाउट की मेडिसिन में लिथेमिया की टेंडेंसी हो, बट हर लिथेमिक मेडिसिन के अंदर गाउट की टेंडेंसी होगी, ये याद रखिएगा। दोनों बातों में फर्क है। गाउट मतलब यूरिक एसिड को रोक लेना और यूरिक एसिड को ज्वाइंट में डिपॉजिट करना, जोड़ों के दर्द को पैदा करना, ये गाउट है। लिथेमिया मतलब पथरी बनाने की टेंडेंसी है बॉडी की। और यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि हर लिथेमिक जो मेडिसिन होगी, जिसके अंदर लिथेमिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर ये नेसेसरीली है कि उसमें गाउट पक्का होगा,
ये याद रखना। बट ये जरूरी नहीं है कि हर गठिया या गाउट की मेडिसिन के अंदर लिथेमिया की टेंडेंसी होगी। ये कैसे समझ में आ रहा है? ये ऐसे समझ में आ रहा है कि ओनली गाउट बट नो लिथेमिक टेंडेंसी होती है बेंजोइक एसिड, मतलब बेंजोइक एसिड हमारे पास वो मेडिसिन है और इसके अलावा और मेडिसिन है हमारे पास लीडमपाल है। लीडमपाल जानते हैं आप सब लोग, गाउट की मेडिसिन, मेरे सब्सक्राइबर तो अच्छे से जानते हैं। तो लीडमपाल के अंदर गाउट की टेंडेंसी तो है पर लिथेमिया की टेंडेंसी नहीं है, इसलिए लीडमपाल कोई पथरी पे हम नहीं देते। वही हमारे पास लाइकोपोडियम भी है, लाइकोपोडियम के अंदर दोनों टेंडेंसी है, वो गाउट पे भी काम करती है बट उसके अंदर लिथेमिक कॉन्स्टिट्यूशन भी है, इसलिए लाइकोपोडियम भी हम गॉल स्टोन पे देते हैं, रीनल स्टोन पे देते हैं और गाउट पे भी देते हैं। तो अगर मेडिसिन के अंदर लिथेमिक कॉन्स्टिट्यूशन है तो 99% उसमें गाउट भी होगा, बट ये जरूरी नहीं है कि हर गाउट की मेडिसिन के अंदर लिथेमिक टेंडेंसी हो। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, इसको क्लियर करना जरूरी है। तो वो मेडिसिन जिनके अंदर गाउट भी हो और लिथेमिक टेंडेंसी भी है वो है बर्बेरिस बुल्गारिस, जिस पे हम ये वीडियो बना रहे हैं, वो है लाइकोपोडियम जिसके अंदर लिथेमिया भी होता है, पथरी भी बनती है और गाउट भी होता है, वो है कल्केरिया कार्ब, गाउट भी होता है लिथेमिया भी होता है। वो मेडिसिन जिनके अंदर सिर्फ गाउट है लिथेमिया जैसा कुछ नहीं है, वो होती है बेंजोइक एसिड, वो होती है रोडोडेंड्रॉन, वो होती है लीडमपाल, वो होती है काल्मिया। तो इस तरह से इस चीज को याद रखिएगा, ओनली गाउट बट नो लिथेमिक टेंडेंसी होती है बेंजोइक एसिड। अब बर्बेरिस बुल्गारिस के बारे में ऑथर आगे बोल रहा है कि एग्जिबिट्स द लिथेमिया मतलब पथरी बनाने की टेंडेंसी एग्जिबिट करती है बहुत बड़े लेवल पे बर्बेरिस बुल्गारिस, ठीक है। एंड कंसंट्रेशन एंड कॉन्क्रीशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द पॉसिबल साइट, लिथेमिया मतलब कॉन्क्रीशन। देखिए कहीं पे भी पथरी एकदम से पत्थर के रूप में नहीं बनती, किडनी हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, जॉइंट्स हो गए, यहाँ पे जो कॉन्क्रीशन धीरे धीरे स्टार्ट होता है। तो इनिशियली जब भी हम कई बार यूएसजी की रिपोर्ट देखते हैं किडनी की, तो किडनी के अंदर डस्ट इन द किडनी लिखा आता है या फिर कॉन्क्रीशन लिखा आता है, तो वो कॉन्क्रीशन से उसकी पथरी बनने की शुरुआत होती है। ओवर द पीरियड होता क्या है, फिर वो रियली पत्थर बनने लगते हैं, वहां पे रियली पथरी जैसी चीज आ जाती है, पर हर पथरी की शुरुआत कॉन्क्रीशन से होती है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि एग्जिबिट मतलब ये मेडिसिन के अंदर है लिथेमिया एंड कॉन्क्रीशन ऑलमोस्ट ऑल द पॉसिबल साइट, इंसान के शरीर में जितनी पॉसिबल साइट पर पथरी बन सकती है इसमें बनती है, और वो है सिर्फ तीन। इंसान के शरीर में सिर्फ तीन जगह हैं जहां पे कॉन्क्रीशन होता है, जहां पे कॉन्क्रीशन के डिपॉजिट्स होते हैं और आगे पथरी बनती है उससे, ठीक है। पहला है जॉइंट, जॉइंट के अंदर जो स्मॉल जॉइंट होते हैं गाउट के पेशेंट के, उसके अंदर यूरेट ऑफ यूरिक एसिड जो होता है वो डिपॉजिट होता है, फलस्वरूप इन जॉइंट के अंदर पेन होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है। जो दूसरा पॉसिबल साइड है दैट इज द किडनी, किडनी के अंदर हम रीनल स्टोन देखते हैं या फिर नेफ्रोलिथियसिस, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है बर्बेरिस बुल्गारिस, ठीक है। और जो तीसरा साइट है वो है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में हमको गॉल स्टोन या फिर कोलेलिथियसिस देखने में आता है। और ये जो तीन साइट होती है, जो तीन इकलौती साइट है मानव शरीर में जहां कॉन्क्रीशन होता है, हो सकता है, वो बर्बेरिस बुल्गारिस में तीनों जगह पे होता है। अदर दो मेडिसिन जहां पे इन तीनों जगह पे कॉन्क्रीशन हम देखते हैं या फिर तीनों की जगह हम लिथेनिया की टेंडेंसी देखते हैं, दैट इज लाइकोपोडियम एंड कल्केरिया कार। मैं उम्मीद करता हूं समझ गया आपके पॉइंट, ठीक है। तो एक्ट ऑन द जॉइंट, जॉइंट पे एक्ट करती है, ये गाउट पैदा करती है, मतलब ये बहुत सारे पार्ट्स पे काम करती है ह्यूमन बॉडी के, है ना। जॉइंट पे एक्ट करती है जहां पे गाउट पैदा करती है, लीवर पे एक्ट करती है या गॉल स्टोन पैदा करती है, ये किडनी पे एक्ट करती है, यहाँ पे रीनल स्टोन या रीनल कैलिकुलाई पैदा करती है, और ये हार्ट पे एक्ट करती है, और यहाँ पे ये आरएचडी पैदा करती है, रूमेटिक हार्ट डिजीज, ठीक है। हर एक गाउट की मेडिसिन के अंदर एक पोटेंशियल थ्रेट होता है, जो मैंने आपको बेंजोइक एसिड में भी बताया था कि जब भी गाउट का सप्रेशन होगा एक्सट्रीमिटीज से, जैसे एक्सट्रीमिटीज में गाउट का पेन है और कोई एलोपैथ स्टेरॉइड से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है, तो ये गाउट यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा, और ये ज्यादातर केसेस के अंदर गाउटी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सीधा इसका दूसरा इंपॉर्टेंट साइट होगा हार्ट, ये सीधा यहाँ से गायब होगा, इसका मेटास्टेसिस हार्ट पे हो जाएगा, और हार्ट में पल्पिटेशन, एंग्जाइटी, ऑपरेशन ऑफ चेस्ट और ये सब चालू हो जाता है, और ये रूमेटिक हार्ट डिजीज के इनिशियल सिम्टम्स होते हैं। और ये सबसे ज्यादा प्रोनाउंस्ड सिर्फ एक मेडिसिन में, जो है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के बाद सेकंड नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली मोस्ट मागली प्रेजेंट होता है काल्मिया एल करके एक मेडिसिन, और उसके बाद ये जो है हल्का फुल्का इसका प्रेजेंस हर गाउट की मेडिसिन में, हल्का फुल्का इसका प्रेजेंस होता ही होता है।
हर गाउट के पेशेंट के अंदर ये रिस्क होती है, जिसका रूमेटिज्म अगर सप्रेस करा तो वो हार्ट पे चला जाएगा। तो ये जॉइंट पे एक्ट करती है, लीवर पे एक्ट करती है, किडनी पे एक्ट करती है। लीवर किडनी के अंदर कॉन्क्रीशन या फिर लिथेमिया होता है इन द फॉर्म ऑफ गॉल स्टोन एंड रीनल स्टोन। हार्ट पे ये रूमेटिक हार्ट डिजीज पैदा करती है। जॉइंट के ऊपर इसके अंदर गाउट के सिम्टम है। तो ये इसके पूरा का पूरा स्फीयर ऑफ एक्शन है और या फिर इसका साइट ऑफ एक्शन है ना। अब यहाँ से मैं अब थोड़ा सा कैमरा हटा दूँ, अब इस पॉइंट पे आ गए हैं तो कैमरे को थोड़ी देर के लिए हटाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, कैमरा हटा दिया है। यूरिक एसिड डायथेसिस, ये भी समझने की जरूरत नहीं, आपने इससे पहले का वीडियो बेंजोइक एसिड देख लिया है। यूरिक एसिड डायथेसिस क्या होता है, ये वही है गाउटी डायथेसिस बोलते हैं या यूरिक एसिड डायथेसिस। लाइक मोस्ट गाउटी पेशेंट बर्बेरिस बुल्गारिस ऑल्सो सफर्स फ्रॉम द यूरिक एसिड डायथेसिस। और ज्यादातर गाउटी पेशेंट के अंदर यही डायथेसिस मेन होता है, यही डायथेसिस है लाइकोपोडियम का, यही डायथेसिस है बेंजोइक एसिड का, लिडम्पाल का, यही डायथेसिस है कल्केरिया कार्ब का, बहुत सारी मेडिसिन का जिसमें यूरिक एसिड की प्रधानता है, यही डायथेसिस होता है। ठीक है, लाइक मोस्ट गाउटी पेशेंट बर्बेरिस बुल्गारिस ऑल्सो सफर फ्रॉम द यूरिक एसिड डायथेसिस विथ रीनल इनकैपेसिटी ड्यू टू विच द यूरिक एसिड इज नॉट एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इंस्टेड एक्युमुलेट इन द ब्लड। यही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं कैमरा वापस ले आता हूँ। मैं यही एक्चुअली ये वीडियो को शुरू करते वक्त मैंने आपको एक्चुअली यही कहानी सुनाई थी और हर गाउट की मेडिसिन की सेम कहानी की रीनल इनकैपेसिटी होती है, रीनल इनसफिशियंट होती है। जितने पैमाने में यूरिक एसिड बॉडी में जनरेट हो रहा है, किडनी में उतनी कैपेसिटी नहीं है कि उतना यूरिक एसिड को यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करे। तो फलस्वरूप क्या होता है, वो जो यूरिक एसिड होता है बॉडी में एक्यूमुलेट होता है और जॉइंट के ऊपर जमा होने लगता है। एंड दिस होल स्टोरी इज नोन एज द गाउट, या फिर इसी को हम बोलते हैं गाउटी डायथेसिस या यूरिक एसिड डायथेसिस। अगली स्लाइड पे आते हैं, हो गया था। अब यहाँ पे जो पेन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बर्बेरिस वुल्गारिस के पेन है वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, बहुत स्पेसिफिक पेन बर्बेरिस वुल्गारिस के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग पेन या वेंडरिंग पेन या चेंजेबल पेन। ये जो चेंजेबल पेन होता है, ये बर्बेरिस वुल्गारिस का सबसे चित्रगत लक्षण है। और बर्बेरिस बुल्गारिस के साथ सिर्फ एक या दो मेडिसिन के अंदर ये इतना प्रोनाउंस्ड है। ये पल्सेटिला के अंदर है, क्योंकि पल्सेटिला का खुद का एक की नोट है जिसके अंदर ये बोला गया है कि पल्सेटिला के अंदर चेंजिबिलिटी बहुत है। उसी के हिसाब से बर्बेरिस बुल्गारिस के अंदर भी शिफ्टिंग रूमेटिज्म है। ये आपको ये शिफ्टिंग रूमेटिज्म कई बार रिपर्टरी के अंदर दिखेगा, ठीक है, या फिर जॉइंट पेन शिफ्ट रैपिडली, इट रैपिडली शिफ्ट फ्रॉम द वन जॉइंट टू अनादर, इट रैपिडली शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर। अब ये कॉमन सेंस से लगाइए कि क्या रूमेटॉइड अर्थराइटिस का पेन, जिसके अंदर एक जॉइंट के प्रति एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी बनी है जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में होता है, क्या वो पेन शिफ्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर उसके अंदर एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी बनी है, तो दोस्तों वो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी जो होती है वो सिर्फ बनी है काय के लिए, वो सिर्फ बनी है एक स्पेसिफिक जॉइंट के लिए, वो सिर्फ उसी जॉइंट के ऊपर असर करेंगी। इसलिए रूमेटॉइड अर्थराइटिस में घुटना गया तो सिर्फ घुटना जाएगा, और घुटना उस हद तक डैमेज होगा कि घुटना रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ जाएगी। बट दोस्तों गाउट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि गाउट का पेन डिपेंड करता है कि यूरिक एसिड कहाँ पे और कितनी देर के लिए डिपॉजिट है, और जिस जॉइंट पे जाकर के यूरिक एसिड जितनी देर के लिए डिपॉजिट होगा वहां पे पेन होगा। हो सकता है अगली सवेरे वहां से यूरिक एसिड ड्रेन हो जाए, ब्लड फ्लो में वो यूरिक एसिड वहां से अलग हो जाए, कहीं और डिपॉजिट हो जाए, तो कल इसको हो सकता है कहीं और पेन हो। और यही कारण है कि जो शिफ्टिंग और वेंडरिंग पेन होते हैं वो सिर्फ बर्बेरिस बुल्गारिस और पल्सेटिला का ही फीचर नहीं है, वो ज्यादातर गाउटी मेडिसिन के अंदर हम देखते हैं। कि गाउट जो है वो कभी भी एक जॉइंट को इन्वॉल्व क्यों नहीं करता है? क्योंकि आज यहाँ जमा है, कुछ दिन तक परेशान करा, कल वहां से गायब हुआ, किसी और जॉइंट में जमा हो गया, कल वहां से गायब हुआ, किसी और जॉइंट में जमा हो गया। तो एक्चुअली ये कहानी है इसकी, ठीक है। अब बस इसको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। और वहीं पे जो शिफ्टिंग और वेंडरिंग पेन है बर्बेरिस बुल्गारिस के, वो थोड़े से अलग है। वो मैं आपको ये पूरा एक बार पैराग्राफ पढ़ दूं, फिर मैं समझा दूंगा, है ना। शिफ्टिंग एंड वेंडरिंग पेन, एवर चेंजिंग एंड शिफ्टिंग पेन इन द गाउटी कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज द वेरी कॉमन फीचर अमॉन्ग ऑलमोस्ट ऑल द गाउटी मेडिसिन, जैसे कि बेंजोइक एसिड एंड पल्सेटिला। ये पॉइंट मैं आपको अभी इसके इंट्रो में बता चुका हूँ कि ऐसा नहीं है सिर्फ इसके अंदर है, ये गाउटी फीचर ही है, ये गाउट के पेशेंट के अंदर, ये गाउटी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बड़ा कॉमन फीचर। और इसका वजह क्या है कि एक्चुअली वहां पे जो यूरिक एसिड है वो कहीं पे थोड़ी देर के लिए जमा है, कुछ एक दो दिन के लिए पेन करेगा, वहां से अलग हो जाएगा, जो मैंने इंट्रो में बताया इस पॉइंट के इंट्रो में। तो इसलिए कह रहे हैं कि एवर चेंजिंग एंड शिफ्टिंग पेन इन द गाउटी कॉन्स्टिट्यूशन
विच इज अ वेरी कॉमन फीचर ऑलमोस्ट ऑल द गाउटी मेडिसिन, जैसे कि बेंजोइक एसिड, पल्सेटिला। बर्बेरिस वुल्गारिस का पेन थोड़ा सा अलग होगा। ये पूरा पैराग्राफ पढ़ता हूँ, फिर बस दो मिनट के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पेशेंट से आउ या फिर ओ बोलेगा, आउच बोलेगा, जैसे कि उसको कहीं पे एकदम से पेन हुआ, जैसे बैठा है जैसे कि उसको एकदम से दर्द होगा तो क्या बोलेगा, आउ आउ मतलब पेन हुआ। यू से आप पूछोगे भाई इसका क्या मतलब है, तुमने आउ क्यों बोला, ही क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, उसकी लाइन सुनो। नाउ पेन इन द थाई, पहले इसको होगा पेन इन द थाई, देन इन द नी, नी के बाद होगा देन इन द टो, टो के बाद देन इन द हैंड, हैंड के बाद देन इन द हेड, एंड देन ऑल ओवर द बॉडी, एंड फाइनली हर गाउट का पेन ऐसे स्टार्ट होता है। हल्का सा पेन इधर होगा, ये होता ही है गाउट के पेशेंट को होगा। पहले उसको जनरलाइज पेन होंगे अलग अलग जगह, जैसे कि इसके अंदर कहां हो रहा है कि कभी इसको थाई में हुआ, कभी नी में हुआ, कभी टो टो में मतलब पैर के पंजे में हुआ, कभी हाथ में हुआ, कभी इसको सर में हुआ, उसके बाद पूरे शरीर में पेन होने लगेगा, एंड फाइनली गाउट डिपॉजिट इन द फिंगर। ये हर गाउट की मेडिसिन के अंदर यही सिनेरियो होता है, बट बर्बेरिस वुल्गारिस में क्या अलग है वो इस लाइन के, इस पैराग्राफ के एंड में आपको पता लगेगा। अभी हम जनरल गाउट की मेडिसिन की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि पहले नी में पेन हुआ, फिर टो में हुआ, फिर हैंड में हुआ, हेड में हुआ, फिर पूरे शरीर में हुआ। फाइनली क्या होगा, जब इतने सारे पेन हुए तो धीरे से इतने समय में हमारा जो गाउट होता है, यूरिक एसिड होती है, वो एक फेवरेट कमजोर ज्वाइंट को पकड़ ले। शुरू शुरू में हर जगह दर्द होगा, बट फाइनली वो स्मॉल ज्वाइंट में जाके सेटल होगा, जो होंगे हाथ के पंजे और पैर के पंजे। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, एंड फाइनली गाउट डिपॉजिट इन द फिंगर, मतलब स्मॉल ज्वाइंट विद द गाउटी अर्थराइटिस ऑफ द फिंगर्स ऑफ हैंड एंड फिट। ये कॉमनली होता है लीडम पाल में और लाइकोपोडियम में और बेंजोइक एसिड और बाकी सब मेडिसिन में, बट अब बट यहाँ से चालू हो रहा है, बट नॉट इन द बर्बेरिस वुल्गारिस। इन बर्बेरिस वुल्गारिस द डिपॉजिट इज नॉट मार्क्ड एट द वन प्लेस, दे आर ऑलवेज वेंडरिंग शिफ्टिंग एंड ट्विंगिंग। अब मेरी बात समझे आप, कि बाकी मेडिसिन से बर्बेरिस वुल्गारिस के अंदर फर्क क्या है, कि बाकी में क्या होता है, कभी ये दुखा, कभी हाथ का पंजा, कभी पैर का पंजा, कभी थाई दुखी, कभी नी दुखी, कभी सर दुखा, फिर धीरे से पूरा शरीर दुखा। पूरा शरीर दुखने की जो स्टेज होगी वो कुछ दिन तक चलेगी, और कुछ दिन के बाद फिर वो पेन सब जगह से गायब होके फिर वो हाथ के पंजे दर्द होंगे, पैर के पंजे दर्द होंगे, क्योंकि गाउट जो होता है वो स्मॉल ज्वाइंट को अफेक्ट करता है। गाउट को मारने के लिए छोटा ज्वाइंट चाहिए। अभी भी गाउट एकदम से घुटना नहीं खराब करेगा, घुटना खराब करेगा गाउट, पर घुटना खराब करने में गाउट को 7.5 से 10 साल लगेंगे, क्योंकि गाउट के अंदर यूरिक एसिड जमा करना है, समझो ना, यूरिक एसिड जमा करना है, पर यूरिक एसिड ज्यादा कन्वीनियंटली छोटे ज्वाइंट में बड़ा जमा हो सकता है, वो यूरिक एसिड एकदम से घुटने में नहीं जमा होगा, मेरी बात समझिए। फिर अल्टीमेटली इतने सारे दुख दर्द जब हल्के से सबसाइड होंगे तो फिर इसको पता चलेगा कि हाँ, अब मेरे को परमानेंटली मेरे को हाथ के पंजे उंगलियां दुख रही हैं, मेरे को पंजा पांव का पंजा दुख रहा है, ठीक है। और ये क्या होता है, फिर अल्टीमेटली गाउट जो क्लासिकल गाउट होता है वो आता है, फाइनली जो सामने आता है इन द फॉर्म ऑफ गाउटी अर्थराइटिस ऑफ द स्मॉल ज्वाइंट ऑफ द हैंड्स एंड फीट। पर ये दोस्तों ये कॉमन सिनेरियो होता है इस दुनिया की सारी गाउट की मेडिसिन में होगा, बट बर्बेरिस वुल्गारिस में कभी भी जो यूरिक एसिड होता है वो किसी एक जॉइंट के ऊपर शिकार कभी नहीं करेगा। इतने ही एडवांस स्टेज में इस बंदे का गाउट पहुंच जाए दोस्तों, वो हमेशा वेंडरिंग होगा, वो हमेशा शिफ्टिंग होगा। तो यूरिक, ये जो बेंजोइक, ये अपना बर्बेरिस वुल्गारिस की समस्या यही होगी कि ये हमेशा, भले से इसको 10 साल से हो गठिया हुआ, इसको 20 साल से इसको गाउटी अर्थराइटिस हो, बट इसकी समस्या यही रहेगी सर, वो एवर चेंजिंग होता है। और बाकी सारी मेडिसिन जैसे लीडम हो गई, बेंजोइक एसिड हो गई, लाइकोपोडियम हो गई, ठीक है, काल्मिया हो गई, रोडोडेंड्रॉन हो गई, इनके अंदर ज्वाइंट पकड़ लेगा अंततः, भटकेगा जरूर, मतलब रूमेटिज्म भटकेगा जरूर, पर अल्टीमेटली कोई ना कोई ज्वाइंट इन्वॉल्व कर लेगा, बट नॉट इन बर्बेरिस वुल्गारिस। इन बर्बेरिस वुल्गारिस द डिपॉजिट इज नॉट मार्क्ड एट वन प्लेस, दे आर ऑलवेज वेंडरिंग शिफ्टिंग एंड ट्विंगिंग। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग रूमेटिज्म, ठीक है। अब मैं बस एक मिनट कैमरा गायब कर दूं अपने सर के पीछे से, बस पास। अब आते हैं हम आखिरी पॉइंट पे। अब यहाँ पे वही बात है, इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करा गया है कि इसी पॉइंट का एक दूसरा पहलू है कि शिफ्टिंग एंड चेंजेबल पेन विथ चेंजिंग एंड वेरिएबल कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड इन यूरिन। जैसा कि मैंने बताया कि यूरिक एसिड क्यों बढ़ा, फूसू के अंदर से जो यूरिक एसिड कायदे से किडनी को ड्रेन कर देना था, ठीक है, वो ड्रेन तो हो नहीं पाया, ठीक है, किडनी के अंदर इनसफिशियंसी और किडनी उसको रिटेन कर रही है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे
वेरिएबल क्वांटिटी में यूरिक एसिड निकलता है यूरिन से, उसी के अनुपात में शिफ्टिंग और चेंजेबल पेन होते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जैसे कि जब अच्छा यूरिक एसिड, जब किडनी का मूड अच्छा है, कैसे किडनी ने अच्छे से यूरिक एसिड अच्छी डाइल्यूट यूरिन के साथ ढेर सारा यूरिक एसिड ड्रेन कर दिया, अब उस दिन क्या होगा, इसका पेन कम हो जाएगा। उसके बाद दो दिन तीन दिन तक ये कार्यक्रम चला, अगला हफ्ता आया कि उसकी यूरिक एसिड जो है यूरिन से बिल्कुल ही नहीं निकल रहा, कंसेंट्रेटेड यूरिन हो रही, पूरा यूरिक एसिड बॉडी के अंदर रुक गया। जब यूरिक एसिड रुक गया, यूरिन से निकलना बंद हो गया, तो फिर जो पेन है वो अपने सबसे ज्यादा टॉप क्लास लेवल का पेन होगा, बहुत दर्द होगा। तो यही कई बात कही जा रही है कि शिफ्टिंग एंड चेंजेबल पेन होंगे विद चेंजिंग एंड वेरिएबल कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड इन द यूरिन। इसको दर्द कितना होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसकी बॉडी में कितना यूरिक एसिड रुका है और इसकी कितना यूरिक एसिड इसकी किडनी बाहर निकाल रही। जितना यूरिक एसिड किडनी ड्रेन कर देगी पेन उतने कम हो जाएंगे, और जितना यूरिक एसिड किडनी रिटेन कर लेगी दर्द दुख उतने बढ़ जाएंगे। तो यहां पे क्या बात हो रही है, चेंजिंग यूरिक एसिड इन यूरिन विथ चेंजेबल पेन, ये चेंजेबल, ठीक है ना। अब चलिए अब अगली स्लाइड पे आते हैं और मैं कैमरा भी ऑन कर देता हूँ, बस ये होने वाला है, हो गया काफी हद तक। अब यहाँ पे एक और स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक स्पेसिफिक फीचर है, इसका बर्बेरिस बुल्गारिस का पेन के मामले में, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ दूं उसके बाद समझाता हूँ। रेडिएटिंग पेन इन ऑल ओवर द डायरेक्शन इन द बॉडी, ये जो है ये सिर्फ बर्बेरिस बुल्गारिस पूरी मटेरिया मेडिका में इकलौती मेडिसिन है जिसके अंदर कैरेक्टर ऑफ पेन इस तरह का है। क्या है? रेडिएटिंग पेन इन ऑल ओवर द डायरेक्शन इन द बॉडी। अब जैसे कि आपने देखा कि बेंजोइक एसिड, उसमें बोलते हैं भैया छोटे जॉइंट दुख रहे हैं क्योंकि छोटे जॉइंट में यूरिक एसिड डिपॉजिट है। अब हम ऐसी मेडिसिन की बात करते हैं जिसमें लिथेमिक टेंडेंसी भी है और जिसके अंदर गाउट भी है, जैसे लाइकोपोडियम। अब लाइकोपोडियम के अंदर जब गॉलस्टोन का पेन होगा तो उसको यहीं पे ही होगा, है ना, एपिगैस्ट्रियम में होगा, इलोकलाइज्ड होगा, मेरी बात समझना अच्छे। उसको जब गाउट का पेन होगा तो सिर्फ स्मॉल जॉइंट ही, हाथ के पंजे ही दुखेंगे अगर वो अफेक्टेड है तो। जब उसको किडनी में पेन होगा तो किडनी के अंदर ही रीनल रीजन में, लंबर रीजन में पेन होगा। और पेन का डायरेक्शन क्या बताया है लाइकोपोडियम में, ज्यादा से ज्यादा जो पेन है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, राइट टू लेफ्ट ट्रेवल करेगा, ये कैरेक्टर होगा लाइकोपोडियम के। पर दोस्तों बर्बेरिस बुल्गारिस के बिल्कुल स्पेसिफिक कैरेक्टर है, वो क्या है, रेडिएटिंग पेन इन ऑल ओवर द डायरेक्शन इन द बॉडी। अब ढंग से सुनना मेरे को जो मैं लाइनें पढ़ रहा हूँ। इफ यू सिंगल आउट गाउटी अफेक्शन इन वन गिवन प्लेस और जॉइंट, फ्रॉम दैट वन जॉइंट द पेन रीच एंड रेडिएट इन एवरी डायरेक्शन। अगर आपने कोई भी एक साइट ऑफ पेन इसके अंदर आइडेंटिफाई करी, वो कुछ भी हो सकता है, वो एक जॉइंट हो सकता है, वो कोई भी गिवन प्लेस हो सकती है, वो हो सकता है गॉल स्टोन की बात कर रहा हूँ मैं बर्बेरिस बुल्गारिस में, वो हो सकता है बर्बेरिस बुल्गारिस में मैं रीनल स्टोन की बात कर रहा हूँ, मेरी राइट किडनी के अंदर पथरी हो गई। तो बर्बेरिस बुल्गारिस के पेन कैसे होंगे, वो होंगे कि रेडिएटिंग पेन इन ऑल ओवर द डायरेक्शन इन द बॉडी। एग्जाम्पल, इफ इट इज द नी ज्वाइंट द पेन विल गो अप एंड डाउन। सबसे पहले जो नी ज्वाइंट से पेन अप ऊपर जाना शुरू होगा और फिर नीचे जाना शुरू होगा, और यही जब चीज बढ़ती जाएगी तो अल्टीमेटली एवरीवेयर इन एवरी डायरेक्शन। मतलब ये बड़ा रेयर होता है कि उसको पथरी होगी ना, इसको बर्बेरिस बुल्गारिस की पथरी पहचानोगे कैसे तुम लोग, वो ऐसे पहचानोगे कि लाइकोपोडियम कैंथारिस की पथरी के अंदर वो सिर्फ उसी जगह दर्द बताएगा, बस यहाँ हो रहा है, बोले हाँ ये राइट साइड में किडनी के ऊपर पीछे की तरफ हो रहा है, ऐसे हाथ लगा के बताएगा। बट ये जो पेशेंट है वो उधर तो हाथ लगाएगा ही, फिर उसका स्टेटमेंट वहीं खत्म नहीं होगा, वो बोलेगा कि सर ये जो पेन है ना मेरे को हर जगह महसूस हो रहा है, ये हर जगह जा रहा है, हर जगह फैल रहा है। मतलब कहाँ जा रहा है, बोले नहीं मेरे को वहां से नीचे भी पेन महसूस हो रहा है, वहां से ऊपर भी महसूस हो रहा है, और वहां से सामने की तरफ आगे की तरफ भी आ रहा है। तो एक्चुअली पता है वो ये चीज ये स्टेटमेंट देने वाला है, तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है ना। तो रेडिएटिंग पेन, अब मैं एक बार और पढ़ रहा हूँ, अच्छे से समझ लिया, रेडिएटिंग pain in all the direction in the body if you single out any gouty affection in one given place or joint। अगर आप कोई भी एक place देखें जहां इसको कोई gouty affection है, from that one joint the pain reach and radiate in every direction। every direction मतलब literally शरीर के हर दिशा में pain जाएगा वहां। example, if it is the knee joint the pain will go up and down and ultimately everywhere in the every direction। ये बात हो रही है, ठीक है। radiating pain from a particular point।
किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से रेडिएटिंग पेन इन एवरी डायरेक्शन एज इन द लीवर, जैसे कि गॉल स्टोन है, गॉल स्टोन का पेन हर डायरेक्शन में जाता हुआ महसूस होगा, ना सिर्फ एपिगैस्ट्रियम में। पेन अगर फिंगर या नी में है, गाउट का पेन, तो वो भी हर जगह फैलता हुआ दिखेगा। ये किडनी है ना, वाई की जगह टी कर दिया, किडनी के अंदर रीनल स्टोन का पेन वो हर जगह रेडिएट होगा, वो ऐसा नहीं सिर्फ किडनी के रीजन में, वो नीचे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, बॉडी में कई जगह उसका रेडिएशन होता है, दूर तक वो फैलता हुआ दिखता है। द पेन रेडिएटेड ऑल ओवर फ्रॉम द अफेक्टेड ऑर्गन, ठीक है। बस अब जल्दी से मैं अपना कैमरा यहाँ से गायब कर दूं जिससे कि हम अगली स्लाइड पे जा पाए इसको। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, वेंडरिंग शिफ्टिंग एंड चेंजिंग पेन ऑफ द गाउटी ओरिजिन रैपिडली चेंजिंग लोकेलिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ये दोनों पॉइंट को अगर आप मिला लें तो इसके पेन कितने ज्यादा मतलब अनसर्टेन है आप समझ सकते हैं। इसके पहले वाली स्लाइड में हमने बात किया शिफ्टिंग एंड वेंडरिंग पेन के बारे में, इसके पेन एवर चेंजिंग होते हैं, कहीं पे सेटल तो होते ही नहीं इस आदमी के पेन, मतलब इसके स्मॉल ज्वाइंट में भी अगर डिपॉजिट है यूरिक एसिड का तो वो भी वहां पे फील नहीं होगा, उसमें भी चेंजेबिलिटी हमेशा रहेगी। ये कभी बर्बेरिस बुल्गारिस का पेन कभी भी इतने से स्पॉट में या इतने स्पेसिफिक लोकेशन में पेशेंट नहीं बताएगा, वो बता ही नहीं सकता क्योंकि इसका पेन का कैरेक्टर ही है। तो अभी यहाँ पे हमने शिफ्टिंग वेंडरिंग पेन पढ़ा था और इस स्लाइड में हमने रेडिएटिंग पेन का पढ़ा, तो फिर वो अल्टीमेटली हम बात यही आ गई कि वेंडरिंग शिफ्टिंग एंड चेंजिंग पेन ऑफ गाउटी ओरिजिन, ये पेन क्या करते हैं रैपिडली चेंजिंग लोकेलिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, भयंकर घुमंतु पेन, ठीक है। ये हो गया खत्म। अब हम आते हैं अगली स्लाइड पे, अगली स्लाइड पे हम आ गए और हमको कैमरा ऑन करना पड़ेगा बहुत ही अर्जेंसी में, हो गया ये काम, ये वीडियो खत्म होने। अब एक और चीज, ये इतने हमने देखे, ये इतने कैरेक्टरिस्टिक्स और की नोट हैं बर्बेरिस बुल्गारिस पर, एक्चुअली इतना ही है बस इसके अंदर, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। फिस्टुला इन एनओ या फिर एनएल फिस्टुला, दोस्तों एनएल फिस्टुला बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम या की नोट है बर्बेरिस बुल्गारिस का, और ये जो इसके बाद का जो कांड मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ने वाला हूँ ये लिखा था जेटी केंट ने, और जेम्स टाइलर केंट ने अपनी लेक्चर ऑन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में इसके बारे में डिटेल में लिखा है, और उसकी कुछ फ्रेजेस मैंने यहाँ पे रखे हैं। ये जो अंधों की तरह जो ऑपरेशन हो रहे हैं ना फिस्टुला के, जो ये सर्जन कर रहे हैं, ये कितने खतरनाक है, और इसके भविष्य में ये पेशेंट क्या आउटकम इसके भुगतने वाला है वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, और उसी के नाते फिस्टुला इन एनओ की पहली दवा हो सकती है बर्बेरिस बुल्गारिस, ठीक है। टू क्लियर अप सच फिस्टुलस ओपनिंग सर्जिकली, ये कैंट कह रहे हैं कि टू क्लियर अप सच फिस्टुलस ओपनिंग सर्जिकली इज अ वेरी डेंजरस थिंग टू डू, बिकॉज इफ इट इज क्लोज्ड अप एंड इफ पेशेंट हैज एनी ऑर्गेनिक मतलब किसी भी एक ऑर्गन या सिस्टम की वीकनेस या टेंडेंसी टू थ्रेटन्ड ब्रेकडाउन इन एनी डायरेक्शन उसमें अगर है, कहने का मतलब ये जो सर्जिकली फिस्टुला को बंद करने का फिस्टुलेक्टॉमी का ऑपरेशन कर देते हैं, बंद कर देते हैं फिस्टुलर ट्रैक को बंद कर देते हैं, अब इससे ये इतना रिस्की हो सकता है, और ये रिस्की इसलिए होता है कि अगर पेशेंट के अंदर कोई भी ऑर्गेनिक वीकनेस है, पहली चीज ऑर्गेनिक वीकनेस मतलब हर व्यक्ति का कोई ना कोई ऑर्गन या सिस्टम वीक होता है, और ये ऑर्गेनिक वीकनेस उसके अंदर एज ए हेरिडिटी आती है, आगे एग्जांपल में बताऊंगा, या फिर उसके अंदर टेंडेंसी है टू थ्रेटन्ड ब्रेक डाउन इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में इस बंदे के अंदर कोई ऑर्गेनिक वीकनेस है जहां से इसका ब्रेक डाउन हो सकता है, जैसे कि पारिवारिक ट्यूबरकुलर हिस्ट्री, परिवार के अंदर ब्राइट्स डिजीज की हिस्ट्री, कोई हेरिडेटरी बीमारी इसके अंदर चली आ रही है, कोई एक वीकनेस का पॉइंट है, इसके परिवार में कैंसर की हिस्ट्री है समझ लो आप, है ना, टीबी के पेशेंट भरे पड़े हैं, इसके परिवार में रूमेटिज्म के पेशेंट भरे पड़े हैं, तो ऐसी कोई भी अगर ऑर्गेनिक वीकनेस या फिर कोई थ्रेटन्ड ब्रेकडाउन पॉइंट होगा पेशेंट के अंदर, तो ये जो सर्जरी आपने कर करके फिस्टुला को बंद करा है तो उसके कारण क्या होगा कि दैट ऑर्गेनिक वीकनेस एंड टेंडेंसी विल हार्स्टन अप, वो जो टेंडेंसी छुपी है इसके अंदर कोई सिस्टम की ऑर्गेनिक वीकनेस, वो जो टेंडेंसी है, जो बीमारी की टेंडेंसी है, वो तेज हो जाएगी, और होगा कि अल्टीमेटली वीकेस्ट पार्ट और ऑर्गन विल बी अफेक्टेड एंड विल ब्रेक डाउन, और जिस थ्रेट है उसकी बॉडी में, जो भी हेरिडेटरी थ्रेट है उसकी बॉडी में, अगर जैसे टीबी का थ्रेट है, उसके पारिवारिक में टीबी की हिस्ट्री है, तो दोस्तों इसके अंदर ऐसी इम्यूनिटी के अंदर वीकनेस होगी कि इसको टीबी हो के रहेगा, इसको कैंसर हो के रहेगा, जिस भी ऑर्गेनिक वीकनेस सिस्टम की वीकनेस इस बंदे के अंदर अगर शरीर के अंदर थी तो वहां से उस पॉइंट से ब्रेकआउट हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा उस पॉइंट का, और अल्टीमेटली वो जो थ्रेट है, वो जो पोटेंशियल हेरिडेटरी जेनेटिक थ्रेट जो बीमारी का है, वो बीमारी हो जाएगी। तो इसलिए ये अंधों की तरह ऑपरेशन नहीं कराना
कराना चाहिए किसी को भी फिशुला का अगर केस है तो सबसे पहले कंजर्वेटिव तरीके से उसको ट्रीट करना चाहिए। और इसके नाते, इस स्टेटमेंट के नाते, बर्बेरिस बुल्गारिस सबसे पहली दवाओं में से है जो कि फिशुला इन एनो पे हमको देना चाहिए। दसवां पॉइंट किडनी स्टोन, ये कोई बताने की जरूरत नहीं क्योंकि लिथेमिक टेंडेंसी है, और लिथेमिक टेंडेंसी जो है वो तीनों लेथेमिया का जो पॉइंट है वो तीनों पॉइंट पे हम देखते हैं ज्वाइंट में गाउट के रूप में, उसी तरह से किडनी के अंदर किडनी स्टोन के रूप में। तो बर्बेरिस बुल्गारिस इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेडिसिन फॉर द रीनल और द किडनी स्टोन, तो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका की नोट है, इसलिए हमने दसवें नंबर पे इसको रखा। और इन द सेम मैनर ग्यारहवें नंबर पे हम यहाँ क्या रख रहे हैं, इन द सेम मैनर ग्यारहवें नंबर पे आप थोड़ा देख लीजिए कि गॉल स्टोन, ग्यारहवां पॉइंट, बर्बेरिस बुल्गारिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द गॉल ब्लैडर स्टोन। तो यहाँ पे दोस्तों ये बर्बेरिस बुल्गारिस का ड्रग पिक्चर जो है अब यहाँ पे समाप्त होता है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इन 11 पॉइंट और इन चार स्लाइडों के थ्रू आप अच्छे से समझ चुके हैं एग्जैक्टली बर्बेरिस बुल्गारिस क्या है, और बर्बेरिस बुल्गारिस के साइंस क्या है, सिम्टम्स क्या है, इसके की नोट्स क्या है, और इसको क्लिनिकल प्रैक्टिस में किस तरह से यूज करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का समय निकाल करके वीडियो को देखने के लिए, चैनल को इतना पसंद करने के लिए, लाइक करने के लिए। अब इस हफ्ते में आने वाले वीडियो, और हर हफ्ते तीन जो लाइव स्ट्रीम होती हैं, जो कि होती है मंगलवार गुरुवार को रात में 9:30 बजे और रविवार को रात में 9 बजे, उसमें आप सबसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।